नेक्स्ट आते हैं द कोस्टल प्लेन्स पर इसके पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया उसके जो डिविजन्स थे गंगा बसीन सतलज रिवर बसीन ब्रह्मपुत्र रिवर बसीन इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया अब पढ़ेंगे हम द कोस्टल प्लेन्स के बारे में द प्लेन लैंड दैट लाइज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द कोस्टल प्लेन जो प्लेन लैंड इंडिया के कोस्ट साइड में थर्ड साइड में लोकेटेड है उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं कोस्टल प्लेन हमारे कंट्री का दो पार्ट में डिवाइडेड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड स्ट्रेचेस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये लोकेटेड है आपका वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में जो लैंड का हल्का है, हिस्सा है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है द कॉन्कन कोस्ट सेकेंड है द कनारा कोस्ट और थर्ड है द मलाबार कोस्ट ठीक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो समझ में आ गई है वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में जो लैंड का एरिया प्रेजेंट है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है नेक्स्ट अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये लोकेटेड है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में कि जब चैप्टर आपको पढ़ाया था उस टाइप में मैंने मैप मैं आप में आपको ये शो किया था तो ये आपको अच्छे से याद होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है नॉर्दर्न सिरकार नॉर्थ में और कोरामंडल कोस्ट साउथ में ठीक है तो कोस्टल प्लेन समझ में आ गया कोस्टल प्लेन क्या है तो लैंड का वो हिस्सा जो कोस्ट के साइड लोकेटेड है तट के साइड लोकेटेड है इंडिया के उसको कोस्टल प्लेन कहते हैं कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका लोकेटेड था वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में और इसको भी दो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया कोंकण कोस्ट कनारा कोस्ट और मलाबार कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट जो आपका लोकेटेड था ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया नॉर्दर्न सिरकार नॉर्थ में और कोरामंडल कोस्ट साउथ में ठीक है तो ये आपका हो गया हाँ इंपॉटेंट पॉइंट्स आपके हो गए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर ले सकते हैं लेकिन हाँ इसको लर्न आप अच्छे से कर लीजिएगा आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो आपको वो क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने होंगे क्वेश्चन के साथ आंसर भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो आप लर्न कर लीजिएगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द प्लेन जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है प्लेन कहने का मतलब है नॉर्दर्न और नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन और कोस्टल प्लेन दोनों आ जाता है उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है लिखेंगे आंसर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द प्लेन्स सम पीपल वर्क इन शुगर कॉमा कॉटन कॉमा टेक्सटाइल जूट टेक्सटाइल लेदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज स्पेलिंग है आई एन डी यू एस टी आर आई ई एस इंडस्ट्रीज फिशिंग इज ऑल्सो देअर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन मैनी पीपल आर ऑल्सो गुड आर्टिशियन एंड देयर हैंडीक्राफ्ट मेड ऑफ वुड मेटल आर वेरी फेमस हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बाय आर द नॉर्दर्न प्लेन्स सो पॉपुलेटेड मतलब नॉर्दर्न प्लेन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है मतलब वहाँ पर इतनी अधिक जनसंख्या क्यों है Answer in the northern plains of India are densely populated due to the fine alluvium deposits which make the plains very fertile full stop. Hence, comma, many farmers prefer to settle here. People also settle on and it has the most facilities like transportation, communication, etc. Hogya second question? Up third question. थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफाइन डिफाइन करना है डेल्टा को कोस्टल प्लेन और अलूबियम इन तीनों को डिफाइन करना लिखेंगे पहले डेल्टा अ फ्लैट लैंड वेयर रिवर डिपोजिट इट्स सेडिमेंट बिफोर ज्वाइनिंग द सी इज नोन एज डेल्टा हो गया आगे बढ़ते हैं कोस्टल प्लेन द प्लेन लैंड दैट लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द कोस्टल प्लेन हो गया अलूवियम फाइन सैंड एंड सिल्ट डिपोजिटेड बाय रिवर इज नोन एज अलूवियम लिख लिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वाई इज भाखरा डैम इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया भाखरा नांगल जो डैम है सतलज रिवर पर ये बना हुआ है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है लिखेंगे आंसर भाखरा नांगल डैम इज ब्यूर्ड ऑन सतलज रिवर इज द हाइएस्ट डैम ऑफ इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया हो गया क्वेश्चन भी हो गया और इस वीडियो में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वो आप एक अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो इन सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है थैंक यू